हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश शर्मा। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, भिलाई स्टील प्लांट पूरे भारत में रेलवे ट्रैक का एकमात्र निर्माता है, यानी भारत की जीवन रेखा कहलाने वाली रेलवे लाइन सब भिलाई की ही देन है। यही नहीं, राजधानी दिल्ली को रफ्तार देने वाली मेट्रो के ट्रैक्स भी भिलाई में ही बने हैं। साथ ही यह देश में बनने वाली सबसे लंबी रेलवे ट्रैक 260 मीटर का भी इकलौता सप्लायर है। भिलाई इस्पात संयंत्र ने अब तक जितने ट्रैक्स का निर्माण किया है उनसे पूरी पृथ्वी को कई बार लपेटा जा सकता है। जब भिलाई ने दुनिया को 7 बार तक लपेट सकने के लायक रेल पथ बनाने का कीर्तिमान रचा, तब सेक्टर 10 में स्थित चौराहे पर रेल चौक का निर्माण किया गया। मित्रों, इस चौक पर स्थापित प्रतिमा में ग्लोब को 7 बार रेल पथ से लिपटा हुआ दर्शाया गया था, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। बाद में जब संयंत्र द्वारा बनाए गए रेल पथ की मात्रा और बढ़ गई तो ग्लोब पर लगे ट्रैक्स को हटा दिया गया। अब शहर के लोग इस चौक को ग्लोब चौक के नाम से जानते हैं। बीएसटी है एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट। मित्रों, भिलाई स्टील प्लांट एरिया के हिसाब से एशिया का और प्रोडक्शन के हिसाब से सेल का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। भिलाई स्टील प्लांट को रूस देश के सहयोग से 1955 में स्थापित किया गया था। मित्रों, भिलाई स्टील प्लांट के लिए भिलाई को चुनने का मुख्य कारण था यहाँ स्टील निर्माण के लिए लगने वाले रॉ मटेरियल्स का आसपास के क्षेत्रों में आसानी से मिल जाता है। भिलाई स्टील प्लांट में राजाराम माइंस से आयरन और मंगाया जाता है, जो यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तथा मित्रों लाइमस्टोन नंदिनी माइन से भी मंगाया जाता है, जो यहाँ से 25 किलोमीटर दूरी पर है। देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत की नींव भिलाई में बनी है। भारत ने पिछले साल अपना पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत लॉन्च किया था। INS विक्रांत सिर्फ युद्ध पोत नहीं है, समुद्र पर तैरता एक शहर है, एक ऐसा शहर जो दुनिया की हर तकनीक से लैस है, जिसके सामने पाकिस्तान तो क्या रूस और अमेरिका भी नहीं टिक सकते। स्वदेशी तकनीक से निर्मित इस विमान वाहक पोत के निर्माण के लिए विशेष प्रकार के स्टील की जरूरत होती है, जो दुनिया के कुछ ही देशों में बनती है। 14 साल पहले जब इस पोत की परिकल्पना तैयार की गई थी, तब भारत को उम्मीद थी कि यह स्टील हमें रूस से मिल जाएगा, पर दोस्तों रूस की तरफ से अनुकूल जवाब नहीं आया। अब भारत के पास दो ही रास्ते थे, या तो इस प्रोजेक्ट को टाल दिया जाए, या अपने ही देश में उस खास खूबियों वाले स्टील का निर्माण किया जाए। तब इस विशेष स्टील के निर्माण का बीड़ा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल ने उठाया, और वो विशेष प्लेटें दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई स्टील प्लांट में तैयार की गई पोत विमानों की लैंडिंग का झटका झेल सकने के लिए। पोत में जो सबसे पतली लेकिन मजबूत प्लेटें लगी हैं, उनका निर्माण भिलाई में किया गया है। दोस्तों, 20 में से 11 PM ट्रॉफियों पर BST का कब्जा है। भिलाई स्टील प्लांट को अब तक 11 बार देश के सर्वश्रेष्ठ इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट होने का दर्जा प्राप्त हुआ है, तथा दोस्तों खुशी की बात ये रही कि 11 बार प्रधानमंत्री ट्रॉफी दी गई है। प्रधानमंत्री ट्रॉफी की स्थापना के समय से अब तक प्रदान किए गए कुल 20 में से 11 ट्रॉफी भिलाई के कब्जे में है, यह अपने आप में कीर्तिमान है। दोस्तों, इसके बाद टाटा स्टील ने 7 बार और वाइजर स्टील ने 2 बार यह ट्रॉफी जीती है, मुख्य रूप से शामिल है। तो दोस्तों, हमारे लिए गौरवान्वित भिलाई स्टील प्लांट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल सेट कर लें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। मित्रों, अगले वीडियो आप किसी शहर या किस जगह की देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।